मोबाइल के दीवानों के लिए एक नई खुशखबरी है। जी हाँ, कई मोबाइल कंपनियां अपने 5G मॉडल्स जल्द से जल्द बाज़ार में उतारने की दौड़ में शामिल हो गई हैं। इसी कड़ी में 5G कनेक्टिविटी वाले वेरिएंट अधिकतर स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां लॉन्च कर रही हैं, और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वीवो ने अपनी आगामी नेक्स सीरीज के फ़ोन में 5G वेरिएंट को लॉन्च कर सकती है। जी हाँ, एक वेबसाइट के मुताबिक सितंबर में वीवो अपना नेक्स 3 फ़ोन 5G कनेक्टिविटी के साथ लॉन्च कर सकता है। हालांकि सितंबर में लॉन्च करने की बात चीनी माइक्रो ब्लॉगिंग की एक साइट से मिली है, और इसमें लॉन्चिंग की तारीख और स्पेसिफिकेशन और कीमत की कोई जानकारी नहीं दी गई है। वीवो के इस फ़ोन में जो डिस्प्ले होगा वो कर्व्ड होगा, और इस प्रकार कर्व्ड का हाल ही में OnePlus 7 Pro में देखने को मिला था। 2 सप्ताह पहले ये स्केच जारी हुआ था। साथ ही इस फोन के बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप हो सकता है। साथ ही इसमें 100% स्क्रीन रेशो देखने को मिलेगा, और सामने की तरफ से स्क्रीन और फोन की बॉडी के रेशो भी दिखेंगे। 100% स्क्रीन रेशो से ये मतलब है कि कंपनी की तरफ से फुल रिव्यू डिस्प्ले देगी, जो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई देगा। और इस फोन में लेटेस्ट प्रोसेसर होगा, ऐसी जानकारी भी लीक की जा रही है। जी हाँ, लीक हुई स्पेसिफिकेशन के मुताबिक इस फोन में स्नैपड्रैगन 855 या फिर उससे नया 855 प्लस प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा सकता है, और 5G स्पीड के लिए X5 मॉडर्न का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि क्वालकम ने अपने फ्लैगशिप चिप के नए वर्जन स्नैपड्रैगन 855 प्लस को लॉन्च कर दिया है, और इसमें 8 कोर क्रियो 485 CPU दिया गया है, जो अप 2.96 GHz क्लॉक्ड स्पीड दे सकता है। तो आपको भी अगर इंतज़ार है 5G फ़ोन का, तो वीवो नेक्स आपकी ये इच्छा जल्द ही पूरी कर सकता है, और शायद सितंबर में वीवो नेक्स 5G आपके लिए मार्केट में लॉन्च हो सकता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।